नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वृश्चिक राशि वालों। दोस्तों आज रात्रि 10:30 से आपका दूसरा जन्म होने वाले हैं जी दोस्तों। और अब आपको बता दें कि एक लड़की आपको धनवान बना देगा जी दोस्तों। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है, इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर आप अंत तक इन्हें ज़रूर देखें जी दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम जो बातें आपको बताने वाले हैं, जो बातें हम आपको समझाने वाले हैं दोस्तों, आप उन्हें गौर से सुने और उन्हें अपने जीवनकाल में याद रखें कि दोस्तों यह बातों को अगर आप जान लेंगे तो दोस्तों हम आपको दावा करते हैं कि आने वाले समय में आपके जीवनकाल में कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी। जो भी परेशानियां छोटी मोटी चल रही है उन परेशानियों से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा जी दोस्तों। आपको बता दें कि आज रात्रि के 10:30 से आप शिव के कुंडली में करों की बहुत ही शुभ स्थिति बनने वाली है। यूँ समझो कि दोस्तों यश में ईश्वर का आशीर्वाद आपके कुंडली पर पड़ चुका है, जिनसे दोस्तों आप शिव के जीवनकाल में विभिन्न प्रकार के चमत्कार होते हुए दिखाई देंगे जी दोस्तों। यूँ कहें तो आज रात्रि 10:30 से आप शिवी का दूसरा जन्म हो जाएगा, यानी कि दोस्तों बुरे दौर से आपको छुटकारा मिलेगा और अच्छे जिंदगी की शुरुआत होगी। इसीलिए दोस्तों आज रात्रि 10:30 से आप सभी का दूसरा जन्म होने वाले हैं, इसीलिए दोस्तों समय आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसीलिए दोस्तों वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा जी दोस्तों। जहाँ इतने बड़े ग्रहों की स्थिति है, इतने बड़े आप सभी के लिए शुभ मौके हैं, तो दोस्तों आप इन्हें यूँ ही ना जाने दें और सभी मौके का आसानी तरीके से और सावधानी पूर्वक लाभ उठाएँ जी दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको सभी वह जानकारी देंगे ताकि आप अपने आने वाले जीवन में कोई भी समस्याओं का सामना ना करें जी दोस्तों। यश में जो ग्रहों की स्थिति बनेगी, इनके साथ आपको कौन कौन सी बातों को भी ध्यान में रखने होंगे, किन किन क्षेत्रों को लेकर आपको सावधान रहने होंगे और आखिर आपके प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों निवेदन बस यही है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो के मध्य मध्य में जो बातें, जो सटीक उपाय है आप सभी के जीवन के लिए हर एक पल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे जी दोस्तों। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख दें। माता रानी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर रहेगा। और साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों से जो कि अब आपको अपने जीवनकाल में प्रयोग करने हैं, इससे दोस्तों अपने जीवनकाल में समस्याओं का समाधान पाएंगे। कि दोस्तों कभी कभी आप जो सबसे अच्छा कार्य कर सकते हैं वह है न अधिक सोचना, न किसी होड़ में पड़ना, यानी कि दोस्तों ना किसी दूसरे के बीच में पड़ना, न आश्चर्य करना, न कोई कल्पना करना और न ही चिंता करना, केवल ईश्वर का स्मरण और उन पर विश्वास रखना कि दोस्तों सब कुछ अच्छा होगा। ईश्वर कृपा और आपका सुदृढ़ विश्वास ही सब पूर्ण करता है। अविश्वास सब समस्याओं का मूल कारण है, इसीलिए दोस्तों आप अपने जीवनकाल में हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखें, आपके सभी कार्यों में आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। और दोस्तों आपको इन बातों के ध्यान अपने आने वाले समय में रखने हैं, इनसे दोस्तों आप अपने जीवनकाल में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान पाएंगे जी दोस्तों। अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हो दोस्तों, अगर आप यह बातों को समझ पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आइए दोस्तों इसके साथ बात करते हैं कि अब आपके जीवनकाल में आपको दूसरा जन्म मिलने वाले हैं और यश में आपको जीवनकाल में क्या क्या बदलाव होंगे। दोस्तों यश में आपके व्यक्तित्व और वाणी द्वारा लोग आपसे प्रभावित होंगे। सामाजिक तथा पारिवारिक लोगों की तरफ से विशेष मान सम्मान भी यश में आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों घर में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन से किसी मुद्दे पर सकारात्मक विचार विमर्श भी यशमय होने वाले हैं। और दोस्तों आपको बता दें यश में आपकी सावधानी क्या होगी। दोस्तों कभी कभी आपके बहुत ज़्यादा आत्मकेंद्रित होने से या फिर ईगो की भावना रखने से आपसे संबंधों में कुछ तनाव भी आ सकते हैं। दोस्तों किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी कोई भी योजना शेयर ना करें, अन्यथा धोखाधड़ी भी हो सकती है। दोस्तों इन सब चीज़ों से यश में आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में जो जिम्मेदारी आपने खुद को कर ली थी, दोस्तों आपको बता दें कि उसी जिम्मेदारी संबंधित आपका उत्साह यश में कम होगा।
और काम संबंधित रुचि भी कम होने की वजह से काम की क्लैरिटी पर इसका असर दिख सकता है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों पर ऐसे में आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। परिवार के लोगों के प्रति आपकी नाराजगी भी बढ़ेगी। जब तक बात को आप खुलकर नहीं बोल पाएंगे, तब तक लोगों को आपके विचार समझ पाना कठिन हो सकता है। तो दोस्तों, सभी के साथ खुलकर बोलें, ये आपके लिए समय बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय भाग्य उन्नति के शुभ अवसर भी बन रहे हैं। दोस्तों, कुछ समय से चल रही चिंताओं से आपको राहत मिलेगी। परिवार के लोगों की हर छोटी बड़ी बातों को जो है जरूरत पूरा करने में आपको आनंद प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में कुछ विरोधी भी आपके ऊपर हावी होंगे, परंतु आपका अहित यश में नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि जल्दबाजी और अति उत्साह में बना बनाया खेल भी बिगड़ सकता है। यश में संतान का अड़ियल तथा जिद्दी रवैया भी आपको परेशान कर डालेगा। धैर्य और संयम से काम लें, सब काम सही होगा। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि आपके आसपास के लोगों पर विश्वास बनाए रखना आपके लिए कठिन होगा, जिसकी वजह से आप हर एक काम खुद से ही पूरा करके ही कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि परिवार के लोगों द्वारा मिल रही आलोचना की वजह से जो है उनके प्रति कटुता आपकी बढ़ सकती है। यदि आपको अपनी निर्लय क्षमता पर विश्वास है, तो दोस्तों आपको अपने निर्लय पर डटे रहना ही उचित होगा। और इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि परिवार में सुख शांति आपके लिए प्राथमिकता भी रहेगी। दोस्तों, काम काज और फिर परिवार में बेहतरीन तालमेल भी बना रहेगा। विशेष सामाजिक व्यक्ति का सानिध्य आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि बच्चों तथा युवा अपने लक्ष्य के प्रति इसमें आकर्षित भी रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, यह समय वाहन या फिर घर की देखभाल संबंधी कार्यों में खर्चा भी बढ़ेगा। अपने बजट का भी ध्यान अवश्य रखें। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों की वजह से कोई महान हानि होने की शंका भी लग रही है। दोस्तों, अपनी महत्वपूर्ण चीज़ों अथवा पेपर्स बहुत अधिक संभाल कर रखें, ये आपके लिए यशमय बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यशमय एक से अधिक बातों की जिम्मेदारी आपके ऊपर आने की वजह से और परिस्थिति पूरी तरह आपके खिलाफ होने की वजह से आपके अंदर जो है कन्फ्यूजन हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें प्रैक्टिकल विचार रखकर आप जो है काम करने की आवश्यकता आपको होगी। भावनाओं को यशमय आप जो है अधिक महत्व ना दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि जो समय होंगे आपके लिए लाभदायक समय होगा। किसी भी कार्य तथा मेहनत के उचित परिणाम भी इसमें आपको हासिल होंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधी विवाद चल रहा है, तो दोस्तों उसे सुलझाने का उचित समय है। विद्यार्थियों को भी शिक्षा व फिर करियर से संबंधित समस्या से राहत मिलेगी। और इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आर्थिक मामलों में काफ़ी सोच विचार कर निर्णय लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, किसी भी प्रकार की जो है भविष्य संबंधी योजनाएं बनाते समय अपने ही निर्णय को प्राथमिकता दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दूसरों की बातों में आने से आपको परेशानी आ सकती है, इस बात का आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखना इसमें आपकी जिम्मेदारी होगी। और इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों व्यापार संबंधी बातों में यह समय आपको फायदा नजर आएगा। दोस्तों, यह समय खुद को बेहतरीन बनाने का प्रयत्न आपके द्वारा भी किए जाएंगे, जिसके लिए आपको उचित मार्गदर्शन भी यह समय प्राप्त होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यह समय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, कार्य क्षेत्र में यश में आपको अपनी काबिलियत प्रदर्शन करने का मौका भी मिलेगा। और दोस्तों, मार्केटिंग संबंधी कार्यों में भी कोई बड़ा ऑर्डर यश में आपको मिल सकता है। पेमेंट मिलने संबंधी कार्य भी यश में सफल नहीं होंगे। धैर्य तथा संयम बनाकर रखें, ये आपके लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों व्यवसाय के प्रति आपके ठोस निर्णय सकारात्मक रहेंगे। यह समय काम काज में नई उपलब्धियां आपका इंतजार भी कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि अपनी योग्यता व फिर प्रतिभा के बल पर कोई उपलब्धि भी इसमें आप हासिल करने में सक्षम रहेंगे। सिर्फ अत्यधिक मेहनत करने की इसमें आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, अपने कार्यों पर जो अपने ध्यान को इसमें जरूर केंद्रित रखें। इसके उपरांत दोस्तों, इसमें आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि काम काज के लिए लिए गए ठोस निर्णय व फिर महत्वपूर्ण निर्णय आपके लिए कामयाब रहेंगे। सिर्फ अधिक मेहनत व फिर परिश्रम करने की जरूरत होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि कार्य विस्तार संबंधी योजनाओं पर एक बार पुनर्वित विचार करना आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, यश में पैसे लगाते समय बजट का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ये सब चीज़ आपके व्यवसाय के लिए इसमें बेहतर होंगे।
और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि अभी व्यवसायिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने का प्रयत्न भी आप ना करें, क्योंकि दोस्तों यश में रुके हुए पेमेंट का कलेक्ट करने का तथा आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने का समय होगा। दोस्तों नौकरी पेशा लोगों को फोन द्वारा कई उचित जो है महत्वपूर्ण सूचना भी मिल सकते हैं, जिससे आपका मन यश में गदगद रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों पारिवारिक सदस्यों के साथ मनोरंजन संबंधी कार्यों में भी समय व्यतीत होगा तथा घर में मेहमानों के आगमन से भी चहल पहल भरा माहौल रहने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि परिवार में किसी बात को लेकर गलतफहमी भी हो सकती है, प्रेम संबंध भी यश में मर्यादित रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि वर्तमान सकारात्मक वातावरण की वजह से आप लापरवाही ना बरतें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए यश में बेहतर होंगे।